आरपी जिसके बाल निकलते हैं तो हम नेचुरली उसको ट्राई करते हैं कि इसका नेचुरली ग्रोथ हो जाए, तो केमिकल उसमें कुछ भी यूज नहीं होता है। यहाँ पे सारा नर्सिंग केयर भी और ऑल ब्लड सैंपल्स यहाँ पे हो जाते हैं और यहाँ पे होम सर्विस भी अवेलेबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कौशिक दास्तान न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपकी मेज़बान आसिफा बशीर। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको पता है हम आपको कुछ यूनिक चीज़ें दिखाते हैं और जहाँ पे गरीबों का फ़ायदा हो हम वहाँ पे आपको ले जाके आपको दिखाते हैं। आज जो हमने देखा है बड़ा ही यूनिक है, आप भी ज़रा ध्यान से सुने और मेहरबानी करके वीडियो देखते देखते इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वक्त मौजूद है हम खानयार चौक में। जी नाज़रीन, खानयार चौक जहाँ पे शिराज चौक जिसे कहते हैं, शिराज चौक और अकलमीर मस्जिद है, इसके बीच में एक डायग्नोस्टिक सेंटर है। आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, ये एक डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसको हमारी बहन एक चला रही है जिसका नाम बसीरत है। बसीरत का कहना है उसने ये लैब खोला है, खुद इंडिपेंडेंट लड़की है, लोगों के लिए कुछ करना चाहती है और इस समाज को कुछ देना चाहती है। कहाँ से उसने स्टार्ट किया, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, उसकी ज़िंदगी के बारे में आज हम जानेंगे। आप देखते रहिए कौशिक दास्तान न्यूज़ नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बसीरत रशीद चौधरी है। तो बाय प्रोफेशन मैं मेडिकल प्रोफेशन से ही हूँ। तो मेरा जो यहाँ पे कलेक्शन सेंटर है वो खानयार में है, शीरा चौक और अकलमीर मस्जिद के बीच में। जब से मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ मेरा पहले से था कि मैं मुझे मतलब अपना करना है, बट वो हर टाइम पे पॉसिबल नहीं होता है। पहले मैंने प्राइवेट जॉब की है 3 साल, तो उसके बाद मेरा दिमाग में था करना है। जब मैं 3 साल वहाँ पे फुली ट्रेंड हो गई पूरे तरीके से, तो उसके बाद मैंने अपना सोचा और यहाँ पे मैंने अपना कलेक्शन सेंटर स्टार्ट किया जहाँ पे मैं जॉब करती थी। ये मेरा मकसद ये एक तो अपना था कि अपना स्टार्ट करे, किसी के इसमें नहीं रहना था कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट्स में क्या होता है 8 घंटे की जॉब होती है, वहाँ 10 घंटे देने पड़ते हैं, कभी उससे भी ज़्यादा टाइम सैलरी कम रहती है या वो चीज़ें। उसके बाद जब मैं वहाँ पर जॉब करती थी तो उसके बीच में मैं वहाँ 3 साल थी, तो उसके बीच में मेरे फादर जो है वो बीमार पड़ गए, ड्यू टू कोविड उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद तो मुझे कुछ करना ही करना था क्योंकि घर पे कोई चलाने वाला उसके बाद था नहीं। ब्रदर था अभी, वो भी पढ़ रहा था, अभी मैं भी पढ़ रही हूँ, बहन अभी छोटी है वो भी पढ़ रही है। तो उसके बाद मैंने अपना स्टार्ट किया। और जो हमारा प्रोफेशन है वो है ही पेशेंट्स के लिए कि हम उनकी केयर करें, हम उनको अच्छे से मेडिकेशन दें, हम उनको ठीक करें जितनी हमारी कोशिश रहती है। और हम पेशेंट्स के साथ फुली मतलब इमोशनल अटैच हो जाते हैं, हमें मतलब पेशेंट्स की फिक्र ऐसी होती है जैसे उनके घर वालों के लिए वो पेशेंट होता है, वैसे ही वो हमारे इवन उससे ज़्यादा भी। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम पेशेंट्स को जितनी राहत हम पहुंचा सकें उतना हम पहुँचाएँ। यहाँ पे आपको सारे ब्लड टेस्ट, बायोप्सीज है, टॉर्च है, LFT KFT, सारी बेस लाइन पैकेजेस होते हैं, बॉडी प्रोफाइल होते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ जो भी ब्लड टेस्ट है वो होती है, बायोप्सीज होती है, और यहाँ पे उससे एक्स्ट्रा इंजेक्शंस आपको IV IM सबक्यूटेनस या यहाँ पे नर्सिंग केयर दी जाती है, मेडिकेशन जो घर पे ड्रिप्स वगैरह उसके लिए आप हमें अपॉइंट कर सकते हैं। जो हमारा इंस्टा पे ये है एक्यूप्रोब डायग्नोस्टिक लैब, आप मुझे वहाँ से अपॉइंट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कैटराइजेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल यूरिन पाइप जो लगानी हो उसको कैटराइजेशन बोलते हैं, या PRP जिसके बाल निकलते हैं तो हम नेचुरली उसको ट्राई करते हैं कि इसका नेचुरली ग्रोथ हो जाए, तो केमिकल उसमें कुछ भी यूज़ नहीं होता है। और यहाँ पे सारा नर्सिंग केयर भी और ऑल ब्लड सैंपल्स यहाँ पे हो जाते हैं और यहाँ पे होम सर्विस भी अवेलेबल है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो लड़की मेरे साथ है इसका नाम बसीरत है, बसीरत रशीद चौधरी, ये वो लड़की है जिसने अपनी जॉब छोड़ी लोगों के लिए, बाकी लड़कियों के लिए। अभी ये सबक है ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसने अपनी जॉब छोड़ी जहाँ पे इसको अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, फादर की डेथ हो गई, उसके बाद कुछ अपना करना चाहा। क्या अपना करना चाहा? ये छोटा मोटा लैब ही सही, बट ये लैब इतना बड़ा है ओहदे में कि इस छोटे से लैब में पूरी कश्मीरियत बसी है। जी नाज़रीन, कश्मीरियत किस हिसाब से बसी है आप ज़रा सुने। बसीरत ऐसी लड़की है, काम कर रही थी, फादर की डेथ हो गई, अपना घर भी आज चलाती है फादर के बाद, अपनी माँ को भी चलाती हैं। अपने घर का जो बड़ा होता है वो हमारा फादर होता है, जिसके सिर पे जिसके कंधों पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और ये वो लड़की है जिसने ये सारी ज़िम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी अपने कंधों पे ली हैं, अपना घर चलाती है। ये आज के जो कहते हैं ना कि अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारा यूथ कहता है नहीं जी हम क्या करें घर में बैठे हैं,
ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है, ये जो कर रही है लड़की ने जीरो, ग्राउंड जीरो से स्टार्ट किया और जीरो से ही स्टार्ट किया, और इस छोटे से लैब में ये लड़की इतनी आगे बढ़ गई है कि आज ये कहती है गरीबों के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए जो सच में गरीब है। देखिए ये भी कोई बड़ी नहीं है, ये भी किसी हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, लेकिन ये ही कहती है कि मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ, अगर कोई ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता मैं उसको 50% डिस्काउंट देना चाहती हूँ और देती भी है। जी बसीरत ये जानना चाहेगी कि अगर यहाँ पे कोई, सपोज़ यहाँ पे इतने सारे लैब्स हैं, अगर हमारे कश्मीर की बात करें नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारे लैब्स ऐसे हैं जहाँ पे डिस्काउंट भी मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, लेकिन बसीरत आपसे जानना चाहेगी यहाँ पे ऐसा क्या खास है कि लोग बाकी लैब को छोड़ के आप ही के पास आए। पहले तो ये ख़ास बात है, फॉर एग्जांपल मेरे पास पेशेंट आएगा, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच होती हूँ, क्योंकि मैंने फादर की हेल्थ देखी है, तो उसमें जब डिजीज़ होती है या किसी और में, तो मुझ में ही पहले उसके घर वालों को भी है कि नहीं बर्दाश्त होता है, बट मुझे भी मेरा भी ये रहता है कि मैं इसको कैसे ट्रीट करूँ, मैं इसको कैसे नॉर्मल लाइफ में लाऊँ, मेरा वो होता है। और दूसरी बात यह है, आपको यहाँ पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पता चलेगा कि आप कलेक्शन सेंटर पर आए हो या आप मेन लैब पर आए हो। मेन लैब और कलेक्शन सेंटर में ये फ़र्क होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आएगा, रनिंग पेशेंट आएगा, वॉक इन पेशेंट आएगा, तो वो बोलेगा मुझे आधे घंटे में रिपोर्ट चाहिए, मुझे अर्जेंट है या घंटे में रिपोर्ट चाहिए, तो मैं उसको प्रोवाइड करा, मेरी प्रायोरिटी उसी पेशेंट की ओर रहती है कि मैं इसको एक घंटे जो इसने टाइम बोला है मैं उसी में इसको रिपोर्ट प्रोवाइड करूँ, और मैं करती भी हूँ, मेरी कोशिश वही रहती है। ऐसा क्या है जो आप जल्दी देते हैं? जो भी टेस्ट आएगा, TSH आएगा, LFT, KFT, यूरिन एग्जामिनेशन आएगी, स्टूल जो भी होगा। और हमारे में यहाँ ये खासियत है, हम बायोप्सी भी यहीं पे इनसाइड ही करते हैं, जो कि बाकी लैब्स आपको वीक में या 15 डेज में देती है। हम और हमारी जो मेन लैब है वो दिल्ली में ही है, तो हमारे जो आउटसाइड भी होते हैं वो 2-3 दिन में आ जाते हैं। और टॉर्च टेस्ट जो मेनली प्रेगनेंट वुमेंस को उसकी बहुत ही ज़्यादा नीड होती है, उनको अर्जेंटली वो रखा जाता है, बट बाकी लैब्स में वीक के बाद आती है, हमारी लैब में वो सेम डे या 2 डेज में हम रिपोर्ट दे देते हैं। यही खास बात है इस लैब की कि जो टेस्ट आपको बाकी लैब्स में एक हफ्ते के बाद मिलती हैं, इस लैब में या एक दिन में मिलेगी या 2 दिन में मिलेगी। बहुत ही अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो बसीरत आप क्या उन हमारी बहनों के लिए बोलना चाहेगी जो बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, घर पे बैठते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जी, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए अगर बाहर से ये लोग आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम हलवाई की बात लेंगे या कोई भी जो बाहर से आता है, अगर वो लोग यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करते हैं और मुझे लगता है हमारे से ज़्यादा काम उनके पास होता है, अगर वो लोग वहाँ से आके यहाँ पे अपना काम सेटअप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पेंटर्स है या कोई भी जो POP वगैरह, जब वो उनको आता है यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करना, यहाँ के लड़के और लड़कियों में शायद ईगो का हर्ट हो जाता है, हम क्या ये छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बट हम छोटे से बिजनेस से ही आगे, जब मैंने प्राइवेट में स्टार्ट किया, चाहे मैंने 5000 से स्टार्ट किया या कहाँ से, तो आप तब जाके जब मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किया, जब वहाँ पे मुझे बॉसेस का सपोर्ट रहा, जब मैंने वहाँ पे खुद को फुली ट्रेन किया, तब जाके मैं आज यहाँ पे उससे ज़्यादा कमा रही हूँ। तो यही है कि हर इंसान को कोशिश करनी है, जब एक इंसान कोशिश करेगा तो हर एक चीज़ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आप छोटे से स्टार्ट करो, आप देखो आप कैसे फिर आगे बढ़ोगे। और सबसे बड़ी बात है नियत, जब आप सब पे नियत साफ रखोगे तो अल्लाह ताला फिर आपको भी उस चीज़ का अजर देगा, आप भी आगे बढ़ोगे। बिल्कुल, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जो खुद की मदद करते हैं उन्हीं की मदद रब्बुल इज़्ज़त करता है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है किसी को भी कोई भी टेस्ट करना होगा यहाँ हमारी बहन बसीरत के पास आए, टेस्ट करा के देखे कितनी जल्दी आपको टेस्ट्स का रिपोर्ट मिलता है। आप देखते रहिए कृष्ण दास्तान न्यूज़ नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम।